गुड मॉर्निंग क्लास, हम लोग अब समझेंगे आपातकालीन उपवन। हमने राष्ट्रपति टॉपिक जब पढ़ाया था तब आपको काफ़ी हद तक उसमें बहुत सी चीज़ें बता दी थी, फिर भी हम कुछ चीज़ें रिवीजन कराते हुए और संक्षेप में आपको पढ़ाते हैं भाग 18 आपात संबंधित उपवन क्या है। हम टू द पॉइंट बात करेंगे, जो पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन्स के लिए हम पॉलिटी की अलग से क्लासेस चलाने की बात पहले ही आपसे बता चुके हैं। तो हम बताते हैं इमरजेंसी आपात संबंधित उपवन, आपातकाल, ठीक है। अगर हम बात करें कि कहाँ पर है संविधान में, तो भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया है, और अगर आर्टिकल्स आपसे पूछे जाएं तो 352 से 360 तक इसका उल्लेख, ठीक है। पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया, इसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता, तो दो बातें याद रखेंगे, भारत शासन अधिनियम से ये लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ता है ये हमने लिया है जर्मनी के वाइमर संविधान से, जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो ध्यान रखने वाली बात है कि आपातकालीन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है, लेकिन जो मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ते हैं, जैसे हम पढ़ाएंगे राष्ट्रीय आपात लगेगा तो अनुच्छेद 19 कैसे निलंबित होगा, कौन कौन से निलंबित नहीं होंगे, ये सब प्रोविजन हमने कहाँ से लिए हैं, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए। ये बात क्लियर, तो ये बात यहाँ से समझने वाली है। अब हम बात करते हैं कि आपातकाल कितने तरीके का है, और तो तीन तरीके का हमारे यहाँ इमरजेंसी की बात की जाती है। एक सबसे पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा जो है वो राज्य आपात भी हम कहते हैं, या हम इसे राष्ट्रपति शासन नाम से भी जानते हैं, और तीसरा जो है वो वित्तीय आपात है। सामान्यतः इनके आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल अगर हम बात करें तो ये 352 में है, ये अगर हम बात करें तो 356 में है, और ये हम बात करें तो 360 में है। हम एक एक समझते हैं नेशनल इमरजेंसी क्या होता है या राष्ट्रीय आपात क्या होता है। यहाँ तक हम समझाते हैं आपको राष्ट्रीय आपात। हमने अभी आपको बता दिया किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 352। दूसरी बात हमसे पूछी जाती है कि किन किन आधारों पर यह इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो यह थोड़ा समझना है। तीन आधार हैं, एक युद्ध है, दूसरा है बाह्य आक्रमण, और एक तीसरा प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में यहां लिखा था आंतरिक अशांति, क्या यहां लिखा था आंतरिक अशांति, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन से रिप्लेस करके अब यहां कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। तो अगर आज कोई पूछे कि राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर लग सकता है, तो एक युद्ध है, दूसरा बाह्य आक्रमण है, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। लेकिन मूल संविधान में क्या लिखा था, आंतरिक अशांति। ये किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, 44th। ये बात क्लियर। अब हम समझते हैं कि ये लगता है अच्छा, अगर आपको युद्ध नहीं पता है, युद्ध क्या, जब दोनों सेनाएं आमने सामने, जैसे हम पर दूसरा कोई देश अगर आक्रमण कर दे तो हम कहेंगे बाह्य आक्रमण, जब हमारी भी सेना जाके सामने लड़ने लगे तो हम कहेंगे युद्ध भी। और सशस्त्र विद्रोह, जब आपको पता है हमारे यहाँ के ही रहने वाले लोग हमारी सरकार के खिलाफ क्या कर दें, विद्रोह करते, जैसे नक्सलवादी लोग कर दें, इंसर्जेंसी कर दें, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सशस्त्र विद्रोह कहते हैं, ठीक। ये बात भी समझने वाली। अब हमें समझना है इसमें इसकी प्रक्रिया क्या होती है इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया। अगर हम मूल संविधान में कहें तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति
इसे क्या कर सकता था, घोषित कर सकता, आज भी राष्ट्रपति घोषित करता है। लेकिन अब जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बिना इसे हम घोषित नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। देखिए इंदिरा गांधी ने क्या किया था, आंतरिक अशांति को आधार बनाकर राष्ट्रपति का अंतिम समाधान बताकर एक बार घोषित कर दिया था, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी ऐसा माना जाता। तो तब से संविधान संशोधन किया गया है, 44वां संविधान संशोधन, और उसमें ये प्रोविजन किया गया कि पूरी मंत्रिमंडल सहमत होना चाहिए, जब तक वो लिखित रूप से राष्ट्रपति को ये ना सौंपे कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए, तब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या हम कहें नेशनल इमरजेंसी घोषित कर नहीं सकता। ठीक, ये बात समझना। अब क्या होता है कि 30 दिन के अंदर इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, संसद में जहां जाए वहां एक माह के भीतर या हम कहें 30 दिन के भीतर यह प्रस्ताव एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो यह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और अगर एक बार ये हो गया तो 6 माह तक क्या रहेगा, लागू रहेगा, और 6-6 माह करके इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब इसका अंतिम पीरियड कोई फिक्स नहीं। बात समझ रहे, तो 30 दिन के अंदर अनुमोदन हो जाए, एक बार अनुमोदित हो जाए तो 6 माह लागू रहेगा, और 6 माह के बाद पुनः संसद में क्या कराना पड़ेगा, अनुमोदित करना। तो नेशनल इमरजेंसी की ये प्रक्रिया है जो हमने आपको समझाई। अब इसे समाप्त करने की प्रक्रिया भी यहां पर समझ लेते हैं। इसके बारे में 3 बातें हैं। पहला तो राष्ट्रपति चाहे तो इसे वापस ले सकता है, संसद अगर इसे वापस नहीं ले रही है तो लोकसभा में भी प्रस्ताव लाकर इसे क्या किया जा सकता है, वापस लाया जा सकता है। तो 3 बातें आपको यहां से समझ, ठीक है, एक तो राष्ट्रपति वापस ले सकता है, अगर संसद वापस नहीं ले सकती है तो राष्ट्रपति भी वापस ले। और ये प्रस्ताव, एक बात और याद रखना है कि विशेष बहुमत से, ये वाला समाप्ति वाला नहीं, इंप्लीमेंट वाला जो हमने बताया था वहां पर लागू होने वाला प्रक्रिया में, वो विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी होता है, और ये वाला जो प्रस्ताव है वो साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। यानी समाप्ति का प्रस्ताव साधारण बहुमत से और लाने का प्रस्ताव किससे, विशेष बहुमत से। ये मैंने समाप्ति और उसकी प्रक्रिया बता दी। अब 3 बार आज तक लागू किया गया है, आपको पता होना चाहिए। पहला अक्टूबर 1962 से शुरू हुआ और 1968 तक चला इमरजेंसी। दूसरा 1971 से 1977 तक मानी जाती है, और तीसरी 1975 से 1977 तक मानी जाती है। तीनों के अपने अपने आधार हैं। इसका आधार माना जाता है आंतरिक अशांति जो पूछा जाता है। ये आपको बता, अघोषित युद्ध चल रहा था हमारे पाकिस्तान के साथ, और ये हमने युद्ध किसके साथ लड़ा था, चीन के साथ। यानी पहली इमरजेंसी हमने 1962 से 1968 में लगाई जब हमने भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। दूसरी इमरजेंसी अघोषित युद्ध पाकिस्तान के साथ हम लड़ रहे थे 71 से 77 तक, और तीसरी इमरजेंसी हमने 75 से 77 में लगाई जब देश में आंतरिक अशांति की स्थिति पैदा हो गई। अब हमें समझना है इसमें कि इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो संक्षेप में हम प्रभाव की अगर बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आप समझें कि पूरा शासन संघात्मक व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में बदल जाता है, एकात्मक व्यवस्था में बदल जाता है। इसका मतलब किसी भी राज्य की सभी पावर्स कौन ले लेता है, केंद्र सरकार ले सकती, जैसे राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, कोई भी आदेश दे सकती है, ये सब कुछ कर सकती है। तो संक्षेप में ये बात समझ में आ रही। फिर आगे हम देखते हैं मौलिक अधिकारों पर प्रभाव से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, तो इसमें 2 आर्टिकल समझने हैं, एक आर्टिकल 358 और एक आर्टिकल 359। इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि अनुच्छेद, अगर कहीं राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, लेकिन 2 आधारों पर लागू होना चाहिए, एक युद्ध के आधार पर और एक किसमें, बाह्य आक्रमण। यानी क्या है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू होगा तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा, और राष्ट्रपति को यह पावर भी नहीं होती कि वह अनुच्छेद 19 को उस परिस्थिति में निलंबित कर दे। बात समझ रहे। और आर्टिकल 359 ये कहता है कि 20 और 21 को छोड़कर बाकी किसी को भी अपरिवर्तनीय घोषित कर सकता है क्या राष्ट्रपति, यानी 20 21 को छोड़कर बाकी किसी को भी अगर सरकार उसका दोहन कर देती, निलंबित कर देती है, तो कोई भी कोर्ट जा नहीं सकता। बात समझ रहे। तो एक बात और याद रखिए, निलंबित नहीं होते हैं, निलंबित होने का मतलब है परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी इनका उल्लंघन अगर सरकार कर रही है तो आप न्यायालय जा नहीं सकते, अगर गए भी तो वहां न्याय मिलने की कोई गारंटी है नहीं। ठीक, तो ये मतलब होता है। तो ये मौलिक अधिकारों का प्रोविजन है। यहां पर इतनी बातें हमें जाननी है केवल नेशनल इमरजेंसी। ठीक,
अब हम बात बताते हैं आपको राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल के बारे में। राष्ट्रपति शासन या हम कहें राज्य आपात, फिर हम देख लेते हैं दो तीन बातें। सबसे पहले किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 356। लेकिन एक बात याद रखना, ये 365 के तहत भी लागू हो जाता है। 365 में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कोई भी निर्देश दे सकती है। मैंने केंद्र राज्य संबंध में पढ़ाए हैं कौन कौन से निर्देश दे सकती, अगर उनका पालन राज्य सरकार नहीं करेगी तो 356 वहां क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रक्रिया क्या होती है। पहला आधार अगर पूछा जाए तो केवल संविधान की विफलता, क्या हम बोलेंगे, संविधान की विफलता। और प्रक्रिया में क्या है कि जैसे वहां पर 30 दिन था, यहां पर 60 दिन दिया जाता है प्रस्ताव के लिए, समझे, यहां कितने दिन दिया जाता है, 60 दिन। दूसरा केस अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए 60 दिन में पहुंच गया, वहां इंप्लीमेंट हो गया, और अगर हो गया तो कितने दिन तक हो जाएगा, तो एक वर्ष तक लागू रहेगा। और इस तरीके से यह मैक्सिमम कितने वर्ष तक रह सकता है, 3 वर्ष तक। 3 वर्ष से अधिक दो ही परिस्थितियों में होगा, जब पहला एक कि वहां राष्ट्रीय आपात लागू हो, क्या लागू हो, राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी हो, और दूसरा जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह दे कि अभी यहां चुनाव कराना संभव नहीं, समझे। दूसरी परिस्थिति क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह दे कि अभी चुनाव कराना संभव नहीं, ठीक। तो इन परिस्थितियों में ही इंप्लीमेंट हो सकता है। अब अगर हम बात करें तो क्या यहां भी लिखित सिफारिश पर होता है, तो नहीं, यहां किसकी, सलाह की आवश्यकता होती है। यह भी क्या विशेष बहुमत से होता है, तो नहीं, कौन सा होना चाहिए, साधारण बहुमत। कैसा बहुमत होना चाहिए, साधारण बहुमत, समझ रहे। और समाप्ति के लिए क्या संसद या लोकसभा कोई पावर है, नहीं, राष्ट्रपति जब चाहे तब क्या कर सकता है, वापस ले सकता है, बात समझ रहे। तो यह बात भी यहां समझने वाली है। सेम प्रोसीजर अगर हम कहें तो वित्तीय आपात के लिए आता है। अच्छा, इसमें कुछ और बातें बता दें, यहां पर भी आप देखेंगे तो सेम हो जाता है, जैसे मैंने बताया उसमें संघात्मक व्यवस्था किसमें बदल जाती है, एकात्मक व्यवस्था। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इसमें मौलिक अधिकारों पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगा है तो मूल अधिकारों पर किसी व्यक्ति के कोई फर्क डालेगा नहीं, ठीक। अब हम बात करते हैं वित्तीय आपात, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 360। कहा जाता है जब वित्तीय साख खतरे में आ जाए देश की, वित्तीय साख खतरे में समझिएगा कि क्या होता है, मतलब हमारे देश को कोई उधार ही नहीं दे रहा, हमारे देश पर पास इतना ऋण है हो गया है कि हमारे देश से कोई ट्रेड भी करना नहीं, और हमारे देश की गुड्स सर्विसेज वगैरह भी क्या है, बहुत खराब, यानी देश बड़ा जोखिम में आर्थिक रूप से जा रहा, तो हम कहते हैं वित्तीय साख खतरे में। और इसका हमारे यहाँ कभी भी इंप्लीमेंट आज तक हुआ नहीं। इसकी भी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो 60 दिन के अंदर इसे भी अनुमोदन की आवश्यकता होती है, समझे। और ये आपको पता भी अनिश्चित काल तक लगता है, अनिश्चित काल तक, जैसे हमने ये बताया 3 साल तक ही लग सकता है, ये बताया अनिश्चित काल तक लग सकता है, इसी तरीके से ये का आपको समझना अनिश्चित काल तक। और इसे भी साधारण बहुमत से ही पारित कराना होता है, साधारण बहुमत से, और समाप्ति के राष्ट्रपति ही कर सकता है, यानी संसद में इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको किसमें जाननी थी, नेशनल इमरजेंसी में जाननी। नेशनल इमरजेंसी में हमें इतनी बातें जो अक्सर पूछी जाती हैं जानने और जीवन में तो सभी की इमरजेंसी आती है ना, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट किसी को, संजय हम कुछ कहें बताओ तो इमरजेंसी पर, अच्छा क्या कहें ना कहें कुछ, रहने दो, कहना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा एक तुम्हें लाइन सुनाते हैं, लोग अक्सर ये कहते हैं असफलता को लेकर, जब इंसान संघर्ष कर रहा होता है और बड़े ख्वाब देखता है, ठीक है, और जब उसके जीवन में असफलता आती है, और कहते हैं कि उसको जो आंतरिक रूप से वो प्रेरित होता है, लेकिन बाह्य रूप से लोग उसे जब खींचते हैं, उन परिस्थितियों को समझना, ठीक। उन परिस्थितियों में जब आंतरिक रूप से तो वो मोटिवेट है, लेकिन बाहर के लोग उस पर भरोसा नहीं करते और क्रिटिसिज्म करते हैं या वो करते हैं, तो उन पर हम दो तीन लाइनें कहना चाहते हैं।
अगर आप उन्हें समझें बहुत गहराई से कि फर्क अब पड़ता नहीं है जीत से या हार से। पास ही कुछ और आ जाते हैं तकरार से, मैं बहुत हैरान हूँ इस बेबसी को देखकर, आता तो है गुस्सा मगर आता है बेहद प्यार से। तो ये लाइनें हैं उनके लिए जो खुद अकेले अपने आप पर या अपने आंतरिक रूप से मोटिवेट होकर संघर्ष कर रहे होते हैं, उनके लिए है। और जो क्रिटिसिज्म करते हैं उनके लिए कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और जीवन में कहा जाता है कि एक लाइन नहीं हम अक्सर सुनाया करते हैं कि ये कोलाहल थम जाने दो, दो बातें हमको करनी हैं, माहौल जरा बन जाने दो, सूरज के हस्ताक्षर से तुम मत कहो कि कहीं अंधेरा है, हम खुशियों के सौदागर में हंसना ही परिचय में रहें। तो बहुत मतलब गंभीर तरीके से इन गहराइयाँ हैं इन लाइनों में, अगर आप समझने की कोशिश करें। चलिए ठीक, बाय।